उदाहरण तीन, दी गई आकृति में यदि चतुर्भुज ABCD समरूप है चतुर्भुज PQRS, तो पहला स्केल गुणक क्या होगा? चतुर्भुज ABCD का चतुर्भुज PQRS से। दूसरा, X, Y और Z का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा, चतुर्भुज ABCD का परिमाप कितना है? चौथा, दोनों चतुर्भुजों के परिमापों का अनुपात क्या होगा? बच्चों, अब हम उदाहरण तीन हल करने जा रहे हैं। इस उदाहरण में हमें दो चतुर्भुज ABCD और PQRS दिए हुए हैं और ये कहा गया है कि दोनों चतुर्भुज समरूप हैं। इस कथन को हमने यहाँ लिखा है, चतुर्भुज ABCD समरूप है चतुर्भुज PQRS के। समरूप होने का मतलब है कि इनकी संगत भुजाएं निश्चित अनुपात में हैं, यानी हर एक भुजा अपनी संगत भुजा के साथ जो अनुपात बनाता है वो आपस में बराबर है, ये समरूप होने का मतलब है। और हमसे चार प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, स्केल गुणक क्या है ABCD का PQRS से। उसके बाद XYZ का मान पूछा गया। आप देख रहे हैं कि चतुर्भुज ABCD में तीन भुजाओं की माप हमें दी हुई है। ये इकाइयां हैं 8 इकाई, 10 इकाई, 20 इकाइयां, और यहाँ पर X दिया हुआ है, यानी इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। चतुर्भुज PQRS में दो मान दिए हुए हैं, एक तो PQ का मान 21 इकाई है और RS का मान 30 इकाइयां हैं। QR और PS के वैल्यू हमें मालूम नहीं है और इसके लिए हमने Y और Z लिखा हुआ है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि आप XYZ की वैल्यू बताइए, इसका मान बताइए। तीसरा प्रश्न है, ABCD का परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं तीन भुजाओं की माप तो हमें मालूम है, चौथी भुजा की माप हमें यदि मालूम हो जाती तो हम ABCD का परिमाप निकाल सकते हैं। चौथा सवाल है, दोनों चतुर्भुजों के परिमाप का अनुपात निकालना है। आप जानते हैं कि चतुर्भुज का परिमाप, और यदि हम उसकी दो चतुर्भुजों के परिमापों का अनुपात निकालना चाहें तो वो स्केल गुणक के बराबर होता है। यदि हमने स्केल गुणक की गणना कर ली तो हम उसी उत्तर को मानेंगे, चतुर्भुजों के परिमाप का अनुपात है। दूसरा तरीका हो सकता है कि जब सारे मान हमें मिल जाएंगे YZ और X के, तो हम दोनों चतुर्भुजों का परिमाप निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम उनके परिमापों की तुलना करके बता सकते हैं कि उन परिमापों का अनुपात क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, स्केल गुणक क्या है? स्केल गुणक का मतलब होता है कि इन दो चतुर्भुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या है। अगर दोनों चतुर्भुज समरूप हैं तो इनकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात एक जैसे ही होंगे और यही समरूपता की शर्त है। तो यदि हम किसी एक भुजा एक जोड़े का अनुपात हम निकाल लें तो हमें स्केल गुणक मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब ABCD का PQRS से पूछा गया है, ये उल्टा भी हो सकता है, PQRS का ABCD से भी हो सकता है, लेकिन हमसे पूछा गया है ABCD का PQRS से जब हम स्केल गुणक लेंगे तो क्या होगा, यानी हमको पहली जो भुजा लेनी होगी वो ABCD की एक भुजा लेनी होगी और दूसरी भुजा जो लेनी होगी वो PQRS से लेनी होगी। अब आप देखिए, केवल एक भुजा ऐसी है CD जिसके संगत भुजा RS का मान दिया हुआ, ये 30 यूनिट्स हैं और ये 20 यूनिट्स हैं, 20 इकाइयाँ और 30 इकाइयाँ। तो हम स्केल गुणक निकालने के लिए इस तरह से लिखेंगे, स्केल गुणक बराबर किसी एक संगत भुजा की लंबाई का अनुपात। तो हम यहां पर CD लें, CD बटे RS, CD का मान है 20 और RS का मान है 30। ये इकाइयां हैं, 20 इकाइयां और 30 इकाइयां। आप देखिए, आपको इसका हल मिलेगा 2/3। तो आप कह सकते हैं कि इन दो समरूप चतुर्भुजों का स्केल गुणक ABCD से PQRS के लिए इसका मान 2/3 है। तो ये आपका पहला उत्तर है जो स्केल गुणक के रूप में है और इसका मान 2/3 है। यही मान आपका चौथे में भी आएगा, तो आप चौथे का भी उत्तर यही मान सकते हैं। आगे हम उसको और भी देखेंगे। अब दूसरे सवाल पर आइए। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि XYZ का मान ज्ञात करिए। X यहाँ देख रहे हैं ये अज्ञात राशि है, Y अज्ञात राशि और Z अज्ञात राशि है। यदि हमको स्केल गुणक मिल जाता तो स्केल गुणक का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे, और यदि हम इसका मान निकालना चाहते हैं X का, तो इसके हम तुलना करेंगे इसके संगत भुजा PQ से जिसका मान 21 है। तो हम लिखेंगे कि X बटे
21, इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो है वो इसके अलगुणक के बराबर होगा, तो ये आपको मिलेगा 2/3 के। आप इसको हल करें तो आपको मिलेगा, इसको हम आगे लिख सकते हैं, x बराबर 2/3 गुणित 21। इसको आप कटा दें, 3 × 3 = 3, 7 = 21, 7 × 2 बराबर 14 इकाइयाँ। 14 जो मान है वो x का मान है, तो x बराबर आप 14 प्राप्त कर लिए। आप चाहें तो यहाँ पर लिख लें बराबर 14 इकाइयाँ। ठीक इसी तरह से आप y और z का मान ज्ञात करेंगे, तो हम फिर से स्केल गुणा का उपयोग करेंगे, तो हमको मिलेगा BC/QR, या हम सीधे सीधे लिखें 8/Y बराबर फिर से स्केल गुणक 2/3। इसको आप रिवर्स कर लें, उल्टा कर लें, तो आपको मिलेगा y/8 बराबर 3/2, और इसको आगे बढ़ाइए तो y बराबर आपको मिलेगा 3/2 × 8, और इसको हल करने पर आपको मिलेगा, 2 को आप कटाइए 8 के साथ, तो 4 बार कटेगा, 4 × 12, तो आपको मिला y का मान 12, x का मान आपको मिला था 14, और y का मान आपको मिला 12 इकाइयाँ। तो y की जगह पर आप लिख सकते हैं 12 इकाइयाँ। अब आगे देखिए, इसी तरह से हम z को हल करेंगे, तो z के लिए लिखेंगे AD/PS यानी 10/z, तो ये आपको मिलेगा 10/z बराबर फिर से ये स्केल गुणक 2/3 के बराबर होगा, तो 10/z का मान हुआ 2/3। आप इसको इसका व्युत्क्रम लीजिए तो आपको मिलेगा z/10 बराबर 3/2, और इसको आप आगे बढ़ाइए हल करिए तो z बराबर मिलेगा 3/2 × 10 यानी 2, और ये 5 बार में कटा, ये आपको मिला 15। तो आप z की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर 15 इकाइयाँ। अब आप देखिए जरा इनके बीच संबंध क्या है, आप जांच सकते हैं, ये B से और T से, आप देख रहे हैं कि CD का 1.5 गुना RA से, बीस का 30 हुआ, तो 10 का 1.5 गुना 15 ये आपको उत्तर सही है, 8 का 1.5 गुना 12 ये भी आपको उत्तर सही है, और 14 का 1.5 गुना 21 यानी आपका ये उत्तर भी सही है। तो आपने तीन जो मान थे XYZ के वो प्राप्त कर लिए। अब तीसरा सवाल देखिए, हमको ABCD का परिमाप भी पूछा गया है। ABCD का परिमाप आप देखिए, 4 संख्याएं हैं, तो तीसरे का उत्तर हम यहां पर लिखते हैं, ABCD के परिमाप के लिए आपको AB, BC, CD और DA का योग करना होगा, और इन सभी के मान आपको पता है, x का मान है 14, AB का मान 14 है, तो 14 इकाइयां प्लस 8 इकाइयां प्लस 20 इकाइयां और प्लस 10 इकाइयां, इनको आप जोड़िए, आपको मिल जाएगा 20 और 10 30, 40, 48 और 4 52, यानी एक आपको मिला परिमाप 52 इकाइयों के बराबर। और इसके बाद आपको इनका दोनों परिमापों का अनुपात भी पूछा गया है, दोनों चतुर्भुजों के परिमाप का अनुपात क्या होगा, तो एक अनुपात आपको 52 मिल गया, वैसे ही आप इसको जोड़ लीजिए तो आपको दूसरे चतुर्भुज PQRS का अनुपात मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर 21 है, 12 है, ये 33 हो गए, और 30 को आप मिलाइए 63 और 15, 63 + 73 = 5 = 78, तो ये इसकी परिमाप आपको 78 या 78 मिली। आप देख लीजिए इसका 1.5 गुना है कि नहीं, 26 × 52 और 26 × 78, ये भी आपका परिमाप सही है। अब इनका यदि आप अनुपात लेना चाहते हैं तो आपको इसी क्रम में लेना पड़ेगा, ABCD का अनुपात और PQRS का अनुपात, तो अनुपात आपको मिल जाएगा, हम चौथे सवाल को लिखना चाहते हैं यहाँ पर, चौथा लिख लें, ABCD का परिमाप बटे PQRS का परिमाप, और आपको मिलेगा ये 52/78, 26 से आप इसको कटा सकते हैं, 26 × 52 और 26 × 78, तो आपको मिला 2/3। आप देखिए पहले जैसे हमने आपसे कहा था कि इसका मान स्केल गुणक के बराबर ही है, तो स्केल गुणक जो आपको मिला था 2/3, वही आपको दोनों चतुर्भुजों के परिमाप का अनुपात भी उसी रूप में प्राप्त हो रहा है, तो ये आपका चौथा उत्तर है। इस तरह से बच्चों ये उदाहरण 3 हल होता है।